कैसे हो सर? हैं? बढ़िया। क्या नाम है आपका? नाम नहीं रखा। नाम नहीं जानते हो अपना? अच्छा, पूरा दिन यहाँ पे बैठे रहते हो? अच्छा, तो आपका घर कहाँ पे याद है आपको? हैं? चलिए कोई बात नहीं, आपके साथ बैठ के बातचीत करते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है सर आपका? महेश पटेल। महेश भाई पटेल, ओके। आप कैसे जानते हो भैया को? मैं वॉक करने आता सुबह में। अच्छा, ये लास्ट 10 डेज से, तो तभी देखा मैंने, फिर मैं वो व्हाट्सएप में ट्राई कर रहा था। अच्छा, तो मेरा ओके का नंबर है व्हाट्सएप में। तो अच्छा, आप लंदन के रहने वाले हो? अच्छा, यहाँ पे कुछ? मैं अभी हॉलीडे में आया हूँ। अच्छा अच्छा, ये कौन सा एरिया अभी मैं? ये मटवाड़ गाँव है। ओके, और दांडी आगे दांडी गांव है। ओके, अभी बीच में ही। अच्छा, चले कोई बात नहीं, भैया के साथ बातचीत करते हैं, वो शायद बोल तो पाते हैं बट पता नहीं है वो कौन है क्या है। ठीक है अंकल, कहाँ से आया कुछ पता नहीं है मेरे। अच्छा अच्छा है, मैंने भी ऐसे। चले कोई बात नहीं, बातचीत करते हैं उससे और जो भी हो सकता है उतनी मदद करेंगे। इधर देखो, इधर देखो, मैं आपकी कुछ मदद करने के लिए आया हूँ। आपके हालात को देखिए, अभी आप कितने मतलब कचरे में, अब लोग यहाँ पे कचरा फेंक के चले जाते हो और आप उसमें रहते हो, ये अच्छी बात है? हैं? नहीं रहना चाहिए ना? मेरे साथ चलोगे? क्यों नहीं आओगे? 15 दिन से देख रहा हूँ उसको। 15 दिन? लेकिन लोग बताते हैं 1 साल से रह रहा है। अच्छा, बारिश के सीजन में भी इधर ही रह रहा था ये। उसके घर के कोई लोग? कोई मालूम नहीं कहाँ से आया है, कौन सा है, नाम भी नहीं किसी को पता है उसका। लेकिन खाना दे जाते हैं, बिस्किट और सब कुछ। हाँ, वो लोग निकलते होंगे, निकलते हैं तो दे, खाना दे जाते हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, भाई अभी बोल तो नहीं पा रहे हैं बट उसके हालात अभी थोड़ी गंभीर है, तो कुछ ना कुछ सहारा रूप होते उसके लिए कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है भैया, आप चलोगे मेरे साथ? देखो आप जैसे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते हैं और खाना पीना फ्री मिलेगा आपको, सब कुछ फ्री में होगा आपका। अपने हालात को देखिए, आपकी उम्र भी बहुत कम है, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो। इधर देखो, मेरे साथ चलिए। हैं? क्या बोल रहे हो? उधर खाना भोजन वजन भक्सा क्या भाग ले रहे लड़के? खड़े हो जाइए, चलिए। चलिए आ जाइए, चलिए खड़े हो जाइए, चलिए चलिए मेरे भाई हो ना आप, आ जाइए खड़े हो जाइए। तो फिर कितने अच्छे आदमी हो आप, बड़े भाई हैं। आ जाइए इधर, आपका कुछ सामान है इधर, कुछ कीमती है भाई? आपका कुछ कीमती सामान है इधर? चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आप देखिए कि किस हालात में भैया रहते हैं। इस साइड कैमरा कीजिए भाई, लेना है भैया को अभी लेके जा रहे हैं आश्रम और वहाँ पे कुछ बदलाव लाएंगे। अच्छे हैं वैसे तो, कुछ हैरान नहीं कर रहे। आ जाइए, आगे बिठा था है ना। ओके अंकल, चलो थैंक यू सो मच, तमे एटली सहारा रूप बन्या आज। મારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આજે આજે આ કાર્ય કર્યું આ ભાઈને લઈ જવા માટે। બસ બસ, આભાર ભગવાનનો કે આ માટે અમને નિમિત્ત બનાવ્યા છે। બસ, તો આવું જ કામ કરતા રહો, તમને શક્તિ આપે। બિલકુલ, તમને આ કાર્ય કરવાની। બિલકુલ બિલકુલ અંકલ, અને તમારા જેવા ઘણા બધા ફેમિલીઝ છે, લંડન માં રહી રહ્યા છે, અમેરિકા માં રહી રહ્યા છે, ઘણો બધો પ્રેમ આવે છે ને એના થકી જ અમે કઈક કરી શકીએ છીએ। ઓલરાઈટ, તો થેન્ક યુ વેરી મચ, વેલકમ। પાછું મળવાનું થશે કદાચ, હું જુલાઈ સુધી રોકવાનો છું। બિલકુલ બિલકુલ, ચાલો તમારું હોલીડેઝ ને એન્જોય કરો। થેન્ક યુ વેરી મચ, વેલકમ વેલકમ। ચાલીએ ભૈયા, અબ હેલો પપ્પા, આજો, થેન્ક યુ, બાય। કેમ છો, કેસે હો? क्या हाल बना रखा है आपका? हाँ भाई, क्या नाम है, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए साइड में। देखो हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके
हालात देखिए आप, कि इतनी गंदे हालात के आप घूमते हो, अच्छा लग रहा है? चलिए आ जाइए। नहीं मैं नहीं गाँव। क्या नाम है आपका? नाम क्या बताएं? यहाँ पे सोता करे। यहाँ पे रोड पे सोते हो? नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सुनील। है सुनील? सुनील भाई, तो यहाँ नवसारी इस रोड पे घूमते रहते हो? नहीं तो मैं तो बजाज यहाँ आते हैं, मेरे अपने चले जाएंगे। तो फिर आपकी हालत ऐसे क्यों हो गई? मैं भाई, आपके परिवार में कौन कौन है सुनील भाई? मैं बोल गया जाइए। हम नहीं, मैं नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, देखो हमारे साथ एक दूसरे भाई भी है। दोस्तों फाइनली हम लोग अभी सूरत पहुंच गए हैं, और आपको आगे भी बताया था कि 100 किलोमीटर का रास्ता था, आने का जाने का 50 किलोमीटर और वापस आने का 50 किलोमीटर, और लंबी दूरी तय करने के बाद फाइनली दोनों भाई अभी हमारे साथ में है। और कोई परेशानी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आने के वक्त हर कोई व्यक्ति मतलब डरता है कौन आ गया कौन नहीं, बट थोड़ा टाइम लगा हमें, बट फाइनली वो अभी हमारे साथ है। और सुनील भाई तो बहुत ही अच्छे से हमें समझ रहे हैं, और चलिए देखते हैं, अभी हम आश्रम भी पहुंचने वाले हैं थोड़े ही टाइम में। तो इस एपिसोड को पूरा देखिए, 15 मिनट के अंदर पूरा हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे इंसान की ज़िंदगी को हम बदल सकते हैं। तो आपका कर्तव्य है कि इस 15 मिनट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में फैला दो, जितने भी लोग बाहर के देख रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हम वीडियो बनाने का मकसद यही है सिर्फ कि आप भी अपने आसपास लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि हम एक इंसान है तो इंसान की मदद करनी हमारा एक कर्तव्य है। और नरेश भाई भी हमारे साथ थोड़े थक गए हैं, अभी तो सो के उठे ही है क्योंकि वो रास्ते में सो गए थे थोड़े, और चलिए कोई बात नहीं, चलता रहता है। बराबर ना? अभी देता हूँ ना, इधर तो आइए, बाहर तो निकलिए। हाँ बस आ जाइए, बस ले लीजिए अपना जो भी सामान है उसको। दोस्तों आप देखिए कि भैया को जिस मतलब डांडी से हम लेके आए इधर सूरत में, वो जीवन ज्योत चैरिटेबल ट्रस्ट जो सूरत में बराछा एरिया में जो आश्रम चलाया जाता है, वहाँ पे हम दोनों भाई को हम आश्रम में लेके आ चुके हैं। और आदमी को सब कुछ जो सुविधाएं मिल जाए, रहने के लिए अच्छा घर मिल जाए, नहाने धोने के लिए पानी की सुविधा मिल जाए, बाथरूम की सुविधा मिल जाए, या फिर खाने पीने के लिए अच्छा सा कोई भोजन मिल जाए, तो आदमी कोई भी ठीक हो सकता है। और भैया की हालत आपने पहले देखी वीडियो पेटे, मतलब जो कचरा जहाँ पे आदमी लोग फेंकते वहाँ पे भाई रहते थे। बट चलिए कोई बात नहीं, अब हालात तो सुधर गई है, और यहाँ पे भी संस्था का भी बहुत बहुत हम तहे दिल से आभारी है कि आज हमने यहाँ पे दोनों भाई को रखने की और उसकी सार संभाल रखने की, जो यहाँ पे जो भी संस्था के जितने भी लोग यहाँ पे कार्य करता है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज दोनों भाई की ज़िंदगी आपकी वजह से कुछ ना कुछ बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो एपिसोड पूरा देखिए, दोनों भाई कंप्लीट हो चुके हैं और आगे की आगे बात हम आगे करते हैं। थैंक यू। दोस्तों फाइनली दोनों भाई को हम लेके आ चुके हैं, और आपने आगे पूरा वीडियो देखा कि जिस कंडीशन में दोनों भाई रहते थे, जो नवसारी डांडी का जो नवसारी से डांडी जाने का जो रोड है वहाँ पे बहुत ही गंभीर हालात के साथ वो दोनों भाई रह रहे थे, बट अभी काफ़ी अच्छे से स्वस्थ भी हो गए और खाना भी अच्छा मिल रहा है।
अब देख सुनील भाई, अब यहाँ पे आप शांति से रहिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी चलिए इस वीडियो को भी हम यहाँ पे एंड करते हैं, और इस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग जो रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके नज़दीक में कोई आश्रम हो या फिर शेल्टर होम हो, तो वहाँ पे आप इन जैसे भाइयों को वहाँ पे रख सकते हो, जैसे उसको एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, रहने की अच्छी सुविधाएँ मिलेगी। और आज यहाँ पे जो जीवन जो चैरिटेबल ट्रस्ट जो मन बुद्धि आश्रम चलाया जाता है वराछा में, तो बस खूब खूब बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आज ऐसे लोगों को यहाँ पे हम रख सकते हैं उसके साथ और सहयोग की वजह से, और ऐसे सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए आपके सभी ग्रुप के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।